ऑल राइट गाइस, कैसे सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं एक लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिस लैब्स का नेम होने वाला है ऑटो स्केलिंग एंड इंस्टेंस ग्रुप विथ कस्टम क्लाउड मॉनिटरिंग मैट्रिक्स। ये लैब बेसिकली बेस कैम्प वाली बैच जो है इसकी लैब्स है, एंड ये वाली सेकेंड लैब्स है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्रेडेंशियल मिल जाएगी, एंड फिर इस क्रेडेंशियल से हम लोग लॉग इन कर रहे होंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस लैब से हम लोग क्या कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप बिगिनर लेवल पे इस लैब्स वगैरह को कंप्लीट कर रहे हो, तो मैं काफी शॉर्ट फॉर्म में चीजें को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। गूगल क्लाउड के सर्विसेज को थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, तो आपको काफी अच्छी आइडिया हो जाएगा। आप लोग इन तक देख लेना। वीडियो में भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है एज कम्पेयर टू अदर वीडियो, बट चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे सिंपली पासवर्ड कॉपी करते हैं एंड ओपन गूगल क्लाउड कंसोल पे क्लिक करते हैं एंड लॉग इन कर लेते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे सिंपली क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट ओवरव्यू दे देते हैं कि इस लैब्स के अंदर हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे होंगे। बेसिकली इस लैब्स के अंदर हम लोग एक बकेट क्रिएट कर रहे होंगे। उस बकेट के अंदर हम लोग अपना कोड जो है वो गिटहब से कॉपी करेंगे एंड बकेट के अंदर स्टोर कर लेंगे। देन फिर हम लोग इंस्टेंट टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे। इंस्टेंट टेम्पलेट बेसिकली गूगल क्लाउड के अंदर एक सर्विस है, जिससे जो है वो बहुत सारे वीएम को हम एक साथ ही क्रिएट कर सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के। और वीएम क्या होता है, एक कंप्यूटर की तरह आप समझ सकते हो जो क्लाउड में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक इंस्टेंट ग्रुप क्रिएट करेंगे। अब इंस्टेंट ग्रुप क्या होता है कि इंस्टेंट ग्रुप हम लोग बेसिकली ऑटो स्केलिंग करना होता है, देन इंस्टेंट ग्रुप हम लोग को क्रिएट करना होता है एंड टेम्पलेट को अटैच करना होता है। तो वो हम लोग भी करके देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी बस इतना ही करना है, देन फिर ऑटो स्केलिंग लगवाना है एंड फिर क्लाउड मॉनिटरिंग के जरिए हम लोग देख रहे होंगे कि कितना ट्रैफिक आ रहा है इसके अंदर। तो बेसिकली ऑटो स्केलिंग क्या होता है, ऑटो स्केलिंग ये होता है कि आपने एक सिस्टम पे बहुत सारे ट्रैफिक आ रहे हैं, तो अब ऐसा होता है कि बहुत सारे ट्रैफिक आने की वजह से सिस्टम क्रैश भी हो जाता है। तो क्लाउड के अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑटो स्केलिंग का, कि एक नया इंस्टेंस खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। बस आपको यहाँ पे ऑटोमेशन करना है, खुद ब खुद एक इंस्टेंट क्रिएट हो जाएगा, दूसरा भी क्रिएट हो जाएगा, तीसरा भी क्रिएट हो जाएगा। जितनी भी जरूरत पड़ेगी उतने इंस्टेंट क्रिएट हो जाएंगे, एंड वो अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। मतलब अगर जरूरत कम पड़े तो फिर कम भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इससे हमारा क्या होता है कि क्लाउड के अंदर कम पैसे खर्च होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बकेट क्रिएट करना है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन में दी गई है कि बकेट क्रिएट करना है। तो अभी हम इधर आते हैं एंड क्लाउड स्टोरेज बकेट भी सिंपली क्लिक करते हैं एंड फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दी गई है कि बकेट का आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग अपनी जो जिस भी प्रोजेक्ट आईडी है इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड फिर इधर आते हैं, क्रिएट पे सिंपली क्लिक करते हैं एंड बकेट का यहाँ पे नेम देना होगा। तो सिंपली यहाँ पे नेम देते हैं एंड सब कुछ सेम टू सेम रहने देते हैं, बस क्रिएट पे सिंपली क्लिक करते हैं। एंड बकेट हम लोग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो अपने कोड को रख रहे होंगे, देन फिर हम लोग इस कोड को वीएम में इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक बकेट क्रिएट कर रखा है, बट इस बकेट के अंदर भी कोई भी फाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कैसे इस फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक चेक माई प्रोस पे क्लिक करते हैं, ब्लू टिक लग जानी चाहिए। अभी यहाँ पे जो कमांड दी गई है सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं एंड फिर इधर आते हैं एंड टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। जो कमांड हम लोगों ने कॉपी किया था सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड जो बकेट जो है उसको सेट करके जो हमारी बकेट नेम है उसको यहाँ पे डालते हैं। तो सिंपली हमारा बकेट नेम बेसिकली ये है। अब इधर आते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इस कमांड से होगा क्या कि इस कमांड से बेसिकली हो क्या रहा है कि जो कोड है वो बेसिकली हमारे बकेट में आके स्टोर हो जाएगा। तो ऑलरेडी गिटहब पे कोड है, तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको फाइल देखने को मिल जाएगा। तो अभी वेट करते हैं या फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड देखो यहाँ पे सारे फाइल आपको देखने को मिल गया। तो ये फाइल्स जो है वो हम लोग कॉपी कर चुके हैं बकेट के अंदर। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक इंस्टेंट टेम्पलेट क्रिएट करना है, जिसका नेम हम लोगों को ये रखना है। तो जो इंस्ट्रक्शन में दी गई है सिंपली इसको कॉपी करते हैं। अभी इधर आते हैं, कंप्यूट इंजन एंड फिर देन इंस्टेंट टेम्पलेट। इंस्टेंट टेम्पलेट बेसिकली मैं आपको बता दिया हूँ कि ये बेसिकली बहुत सारे वीएम को एक साथ ही सेम कॉन्फ़िगरेशन का क्रिएट करने में हेल्प करता है। आप मैनुअली आप एक एक करके जाकर क्रिएट करोगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये प्रैक्टिकल वे ये है कि आप एक साथ ही इंस्टेंट टेम्पलेट के जरिए काफी सारा वीएम आप क्रिएट कर रहे होते हो। तो अभी यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट करते हैं, तो उसको सेट करते हैं और यहाँ पे ये हम लोग नाम दे रहे हैं और सिमिलर होना चाहिए 01। ओके, तो यहाँ पे 01 एंड यहाँ पे ग्लोबल इसका जो है वो लोकेशन रख लेना, क्योंकि जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दी गई है वैसा ही हम लोग फॉलो करेंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहाँ पे मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ऐड आइटम पे सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्क्रिप्ट डाल देंगे कि जो भी इंस्टेंट क्रिएट होगा हमारा उसके अंदर ये दोनों कमांड रन हो जाना चाहिए। जैसे ही क्रिएट हो ये दोनों कमांड रन हो जाना चाहिए। अब ये इसका बेनिफिट क्या है कि जो हमारे बकेट में कोड रखा हुआ है वो कोड डायरेक्टली जहाँ इस इंस्टेंस में भी जाकर और ये इंस्टेंस के अंदर भी चला जाएगा ये कोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बकेट नेम दिखी है इस बकेट नेम को हम लोग साइड करते हैं, और जो हम लोगों का बकेट नेम है तो हम लोगों ने जिस भी प्रोजेक्ट आईडी रखा है, बाकी आप लोगों ने जो रखा है वो रख लेना एंड ख्याल रखना कि यहाँ पे कुछ सिंटेक्स इरर ना हो। तो जैसा दी गई है सिमिलर अब कुछ गड़बड़ ना हो ख्याल रखना। अब यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करते हैं एंड देन फिर इधर आते हैं की टू में, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं एंड फिर इसको कॉपी करते हैं एंड देन फिर यहाँ पे इधर आते हैं वैल्यू टू के अंदर, सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं
जो जिस भी प्रोजेक्ट आईडी हम लोगों की बेसिकली ये है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको साइड करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड सिंपली क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अभी हम लोग का एक इंस्टेंट टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है, अब हम लोग को एक इंस्टेंट ग्रुप क्रिएट करना है। ओके, अब स्क्रॉल करते हैं, हम लोगों को करना क्या है, एक इंस्टेंट ग्रुप क्रिएट करना है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ से यहाँ तक जो भी इसका नेम है इसको कॉपी कर लेना, देन फिर इधर आते हैं और इंस्टेंट ग्रुप आपको इधर ही देखने को मिल जाएगा, स्क्रॉल कर लेना और फिर यहाँ पे आपको इंस्टेंट ग्रुप का एक सेक्शन दिख जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट इंस्टेंट ग्रुप पे सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम हम लोग टाइप कर देंगे जो हम लोगों ने कॉपी किया है और यहाँ पे वन रख देना। एंड इंस्टेंट टेम्पलेट में हम लोग यहाँ पे अभी जो जस्ट क्रिएट किए हैं इसको यहाँ पे चूज आउट कर लेंगे, देन फिर यहाँ पे और रीजन हम लोगों को यूएस ईस्ट वन, यूएस ईस्ट वन बी। ओके, अब यहाँ पे ऑटो स्केलिंग मोड ऑन है, अभी यहाँ पे ऑफ कर लेना है क्योंकि बाद में इसको फिर से ऑन करना होगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन में दिया गया, तो ऐसा ही सेम टू सेम हम लोग को परफॉर्म करना है। ओके, तो अभी ऐसा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे करते हैं, अभी सेम सब कुछ रहने देते हैं ऐसे ही एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट हो चुकी है, अब यहाँ पे इधर आता है चेक माई प्रोसेस, सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लू टिक अपने को देखने को मिल जानी चाहिए। अब स्क्रॉल करते हैं, टास्क 5 के अंदर हम लोग इंटर हो चुके हैं एंड इसके अंदर हम लोग करना क्या है, वेरीफाई डेट द इंस्टेंस ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड। ओके, तो अब हम लोग को बेसिकली करना क्या है, इधर आते हैं एंड फिर इंस्टेंट ग्रुप को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इंस्टेंट ग्रुप यहाँ पे हम लोग का ओपन हो चुका है, अब यहाँ पे सिंपली डिटेल पे क्लिक करेंगे एंड देन फिर मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड देन फिर इस लॉग को हम लोग दूसरे टैब में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे लॉग्स आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है इस सर्वर के साथ, सारी डिटेल यहाँ पे आपको और लॉग्स एक्सप्लोरर में देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बेसिकली कर क्या रहे होंगे कि सिंपली अब जाकर फिर से ऑटो स्केलिंग को ऑन करेंगे, एडिट करना है। तो ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग इंस्टेंट ग्रुप के अंदर फिर से बैक एंड यहाँ पे एडिट पे सिंपली क्लिक करते हैं। तो इंस्टेंट ग्रुप के अंदर ही हम लोग हैं अभी एंड एडिट करते हैं। अभी यहाँ पे जो ऑटो स्केलिंग हम लोग का ऑफ था, अब इसको सिंपली ऑन करना है। ओके, ऑन करना है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम इंस्टेंट जो वो 3 तक, मतलब 3 इंस्टेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना ही रखते हैं। ऐड अ सिग्नल, सिग्नल पे सिंपली क्लिक करते हैं एंड सिग्नल टाइप में यहाँ पे क्लाउड मॉनिटरिंग मैट्रिक्स पे क्लिक करते हैं, कॉन्फिगर पे सिंपली क्लिक करते हैं, सिलेक्ट अ मैट्रिक्स पे क्लिक करते हैं, वीएम इंस्टेंस कस्टम मैट्रिक्स एंड ये वाला। ठीक है, देन फिर अप्लाई करना है एंड फिर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और टारगेट के अंदर 150 रखना है एंड यहाँ पे बेसिकली हम लोग को गॉस सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसा ही है इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो सिमिलर चीजें हैं देख लेना। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड फिर यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। ओके, तो ये हो चुका है, यहाँ पे अब हम लोगों ने ऑटो स्केलिंग लगा रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ट्रैफिक ज्यादा आएगा देन फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरे इंस्टेंस, तीसरे इंस्टेंस भी क्रिएट हो जाएगा और अगर ट्रैफिक कम हो जाएगा देन ऑटोमेटिकली 1 पे आ जाएगा। तो ऐसा हम लोगों ने कन्फिगर कर रखा है। तो बेसिकली स्क्रॉल करके अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, देख लेते हैं अपनी टास्क सही कंप्लीट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे ब्लू टिक लग जानी चाहिए तो अपनी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो अभी यहाँ पे तो क्रिएट हो ही रहा है, अभी यहाँ पे सेविंग हो रहा है, बट तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट होने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑटो स्केलिंग ऑन करते हैं एंड फिर से अब आते हैं चेक माय प्रोसेस, सिंपली क्लिक करते हैं, देखते हैं अपनी टास्क कंप्लीट हुई या नहीं। तो फाइनली अपनी टास्क कंप्लीट हो चुकी है एंड इसके अंदर जो वो नीचे है आपको चेक माय प्रोसेस नहीं है। तो बेसिकली इस लैब के अंदर हम लोग क्या कुछ सीखे, ऑटो स्केलिंग कैसे आप लगा सकते हैं, इंस्टेंट टेम्पलेट क्या होता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेंट ग्रुप कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एंड इंस्टेंट टेम्पलेट को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे ऑटो स्केलिंग लगा सकते हैं, ये कुछ हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बहुत ही जल्दी मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें भी चीज़ें एक्सप्लेन कराऊंगा। मिलते हैं इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू।